नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्या आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। इस वीडियो में कुछ नई अपडेट लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाजीपुर में जंगीपुर से शुरू होगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और माझी घाट तक बनेगा 118 किलोमीटर। ये सभी चीज़ें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो कुछ नई अपडेट है वो जो आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। तहसील का नाम, परगना का नाम, राजस्व ग्राम खतौनी का नाम, और राजस्व ग्राम खतौनी के जो कोड हैं पूरी लिस्ट, आपत्ति कब मांगी गई, कौन सी डेट में, किसकी किन कागजों की जांच हो सकती है या होगी, पूरी डिटेल इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसमें बलिया सदर और बलिया के बेलथरा बासडी सभी के इसमें जो तहसील है सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जो जो डिटेल जो जो आने वाले हैं। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मोहम्मदाबाद होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा और बाद में इसे ही नेशनल हाईवे 31 घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये थोड़ी सी अपडेट है यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। आपको ये मिल जाएगी जो कि लिस्ट देख रहे हैं, लिंक हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये देख सकते हैं पूरी डिटेल में, लिंक आपको मिल जाएगी। और दिसंबर से शुरू हो जाएगा काम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जो कि जल्द चालू होने वाली है। पूरा हमने मैप डिस्कस किया हुआ है कई वीडियो में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, कई वीडियो हमारे बने हुए हैं। तो ये आपको इस समय जो देख रहे हैं आप वीडियो में, ये लिस्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ईमेल के माध्यम से भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में अभी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, जितना गांव की संख्या, रूट मैप, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, पूरा कई वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ। रही बात जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, जल्द शुरू होगी जैसा कि मैंने कई वीडियो में पहले डिस्कस किया हुआ है कि कुछ गांव जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में भी और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में भी आए हुए हैं, खसरा गाटा संख्या सेम हो गई थी कई गांव की, तो उस पे सर्वे हो रहा था, सर्वे लगभग कंप्लीट होने वाला है और जल्द हम नए वीडियो में नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। ये था एक छोटा सा वीडियो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में, और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के से रिलेटेड कोई भी अपडेट जैसे ही आती है तो हम आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। दोस्तों कई एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे सीरीज के अंतर्गत मैंने कई वीडियो बना रखी है तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए दोस्तों, जो जानकारी देनी थी, जो अपडेट बताना था, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोशिश की है बताने की बहुत अच्छे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।